अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहि सलाम मदद। हम्द है अल्लाह तबारक व ताला के लिए, दरूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले और उनकी आले पाक के लिए। और हर काम की इब्तदा बाय बिस्मिल्लाह से तो होती ही है। आइए अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस तवस्सुल को जो बाय बिस्मिल्लाह लें अल्लाह ने लिख दिया है, आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से पेवस्त करें और आएँ करबला मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ियारत पढ़ते हैं। आइए बिस्मिल्लाह सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्लाह, وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फजल अल अब्बास याबना अमीरिल मुमिनीन व अबना सय्यदिल वसीन अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही وللأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع القفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। करबलाए मौला में खुशामदी।
आप सब यकीनन करबला मौला ज़ियारत करने के लिए बेताब रहते हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम ये करबला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 से देखने के लिए बेताब रहते हैं। काफ़ी मोमिनीन पूछते हैं अपना लिंक भेज दीजिए, या आप हमारे चैनल को गूगल पे भी तलाश कर सकते हैं। वैसे आप हमारे लिए हमसे सवाल कर सकते हैं कैसे कैसे देखा जा सकता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 को आप फेसबुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने इब्तदा कर दी है फेसबुक पे भी इसी प्रोग्राम के वक्त में नशर किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान, सैयद जाफ़र अब्बास, महदी अल काज़िमी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम पाक मदद। या अली मदद। मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं। जनाबी अली मेरी बात सुन रहे हैं आप? अस्सलामु अलैकुम। हेलो जनाब जाफर अब्बास साहब, आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाबी अली, जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम से इब्तिदा कीजिए। बिस्मिल्लाह। शबीर देखो थाम गश खा के गे पड़ी, शबीर देखो थाम गश खा के गे पड़ी। ये
देखा जो खो नदी के जवान कहाँ कबीर मेरे पास है सबके को शबीर मेरे पास सदके को बस दिया बानो ने बानो तलाश सारे शाम में असीरों का काश बाजारे शाम में का काश कभी तलाश तेरी जागीर से काफिला मेरे गाजी कहाँ है मेरे ये बाफा है बहन बिरदा मेरे गाजी कहाँ हूँ तुझको देखे बिना चैन आता नहीं नौके जाते तेरा मिलता नहीं मैं ज़ियारत करूँ किस तरह ये बताऊँ राजी कहूँ तेरे बाजू रास्ते मिल गए मैंने चादर समझ पर वो सर पर रख बाजुओं से तेरा पूछती हूँ पता है मेरे राज़ी कहूँ देख कर बहन को बस में नंगे सही क्या गया छुप गए वो किधर खुद चली तुम बता दो जरा मेरे राज़ी कहीं लाज रख ले बहन ये बरादर मेरे आके मक कल मेरे
सरता पर दाम दो जरा मुंतजिर हवा हो जागीर से खुला मेरे आजी कहाँ है बहन देर दाजी कहा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, बल्कि ये आपका अपना प्रोग्राम है क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए है। आप ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। जल्द करबलाए मौला में आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को बारगाह मासूम अलैहिस्सलाम में पेश करने की सआदत का शरफ नसीब हो। मौला इज़्ज़तें अता फरमाएँ। जल्द करबलाए मौला में आना नसीब हो। और जुमला मोमिनीन और मोमिनात सब के लिए दुआ है कि मौला आप सबको परेशानियों से महफूज रखें और हर इम्तिहान के अंदर आपको कामयाब फरमाएं, ताकि आप अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से सुर्ख रूह होकर अपनी आखरत का सफ़र तय करें। दुनिया व आखरत है ही हकीकत में इसलिए खल्क हुई कि इंसान अपनी इंतहा और इब्तिदा को जान ले। इंतहा हमारी वहीं पे है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बयान फरमाया है कि हम लोग मरने के लिए खल्क हुए हैं और हम इस दुनिया के सफ़र को एक सिर्फ़ और सिर्फ मरकब और एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें देखना यह है कि इस दुनिया के अंदर सवारी को हमने किस तरह इस्तेमाल किया है। अगर नेकी के लिए इस्तेमाल किया है तो हम यकीनन आखरत में सुरखरू और कामयाब हो जाएंगे। और अगर हमने इस दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ लहव लाभ और दुनियावी तायुशात और ज़ातियात तकबुर फ़ख्र गुरूर और दूसरों को हक मारने के लिए गीबत के लिए या मसलन इस किस्म के मवारिद के लिए इस्तेमाल किया है तो नतीजा वही होगा जैसा हमने इस्तेमाल किया है। लिहाजा इस्तेमाल हर चीज़ का अच्छा हो तो इंसान अच्छी जगह पे पहुंचता है, नतज अच्छे देखता है, क्योंकि लोग जैसा भी समझें अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, अच्छा नज़रिया होना चाहिए, अच्छा अकीदा होना चाहिए, अच्छा बयान होना चाहिए। हर चीज़ अच्छी अच्छाई की तरफ ले जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खान, वक़ार हैदर वस्त्रू साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है। या अली मदद, मौला अली मदद शकी, फिर आप सुनाएं। मौला का एहसान, सलामत रहें। चाहूँगा आपका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मौला के जिक्र के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसलिए चाहूँगा बिस्मिल्लाह कीजिए इब्तदाई जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से। आगा साहब, आपकी दुआओं से आप के हम जो को ये जिक्र आपने मौला जादारी के हवाले से इजाजत है। बिस्मिल्लाह। मौला जादारी को हम मुकद्दर मौला आदारी को हम आम करेंगे, ये ऐसा अमल है जो सरे आम करेंगे। मौला की अज़ादारी को हम करेंगे। आगा साहब मिस्र जो माँ में लो मैं सब के माँ में सब
मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। मौला हमेशा आपको जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करने की तौफीक अता फरमाएं। टेलीफोन कॉल कट गई है, इम्कान है अगर दोबारा वसल हो गई तो दोबारा, नहीं तो मौला आपको दोबारा तौफीक अता फरमाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनियावी वसीले हैं और दुनियावी वसीले हमेशा दुनियावी ही रहा करते हैं। दीन के अंदर जिन्हें अल्लाह ने वसीला बनाया है उनका मकाम ना तो कोई ले सकता है, ना कोई उन जैसा हो सकता है। सब उनकी गदागरी कर सकते हैं, सब उनके गदागर ही हैं। दोबारा मुत्तसिल हो गए हैं हम जनाब वकार हैदर साहब से। जी जनाब आली बिस्मिल्लाह। मोने कर है जो मातम का जहाँ भर में कहीं है जो मातम का जहाँ भर भी दाइचे की तरह उसे का अंजाम करेंगे। मौला की अजादारी को हम करेंगे। मक्का पेश कर रहा हूँ। एक से दो के यजीद तुम्हें करा जाकिर इस दौर यजीद तुम्हें है ये जाकिर अजा खाम करेंगे। की हम आम करेंगे। आगा साहब अगर टाइम है तो मैं चांद में पेश करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। या रब साईं रोता या रब साईं रोज देखा
रजा सरकार दा रब से रोजा का कर मन दूर बोला सारिया दुआ दिल दीदा वाह जब बच जावा सानू मस्त मलंगन सा हरे हरे या रब साई रोजा विखा कर मन जूर मोला दिया दुआ दिल भी सचा चाहे न जफ पे जावा अरेदा रोजा विखा सलामत रहें। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें, अहले बैत अलैहिम सलाम के साए में रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बेहतर अंदाज़ में, मज़ीद अच्छे अंदाज़ में और इंशाल्लाह मज़ीद करीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आप अहले बैत अलैहिम सलाम की बारगाह में आकर जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करें। दुआ है खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और जल्द कर बलाए मौला आपको आकर अपने खानवादे के साथ अपने अजीज़ों के साथ आकर जिक्र अहले बैत करने का शरफ़ नसीब हो। ये शरफ़ हमारी शराफत जाहिर करता है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ कितने शरीफ हैं। जितनी अहले बैत अलैहिस्सलाम की शराफत का इकरार किया जाए इंसान की हसबी नसबी कस्बी सब शराफत जाहिर हो जाती है। हाँ, जितना अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूरी बुग्ज़ इनाद अदावत और यानी कजी बेराह रवि इख्तियार की जाए इंसान उतना ही बेशरफ होता चला जाता है। लिहाजा हकीकत शरफ तवसुल अहले बैत अलैहिस्सलाम, हकीकत शरफ अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब, हकीकत शरफ अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत का इकरार, हकीकत शरफ अहले बैत अलैहिस्सलाम की नजाबत का इकरार और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुर्तबित रहने का नाम हमारे यहाँ रखा जाता है शराफत। और ये शराफत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि आप हकीकत शरफ़ के मरकज जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शराफत का इकरार ना करें। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है अंबिया का अकीदा बतूल हक पर हैं, हर एक हक से ज़्यादा बतूल हक पर हैं। अगर ये दीन खुदा है तो फिर खुदा की कसम उसूल दीन है पहला बतूल हक पर हैं। तो पूरे दिल से नबी को अमीन मान सही ज़मीर बोल उठेगा बतूल हक पर हैं। वो शख्स छोड़ दे कहना रसूल को सादिक जो शख्स कह नहीं सकता बतूल हक पर हैं। वो दे रहा था दलाइल फिदक पे फदक पे आर में तू, वो दे रहा था दलाइल फदक पे आर में तू, ये कह रहा था वजीफा बतूल हक पर हैं। जनाब जहरा का दुश्मन खुदा का दुश्मन है सो कहिए कर के तबर्रा बतूल हक पर हैं। कबूल होगा फकत उसका हज जो काबे को तवाफ करके कहेगा बतूल हक पर हैं। खुदा के होने का जैसे यकीन है सबको हमें यकीन है वैसा बतूल हक पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुहा खान तौकीर अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला सलाम मदद। सलामत रहें। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वक्त को जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में सर्फ किया जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जी, हमारे मोमिनीन के दिलों को शाद कीजिए बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। सारी तारीफ़ है उस खुदा बुजुर्ग को बरतर के नाम जिसके कब्ज़ा है कुदरत में हमारी जाने। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजाम। सबसे पहले मैं ये करबला टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इस इबादत मुझे शरीक किया और इजाज़त चाहता हूँ।
ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू की तरह आहू की तरह हर घड़ी ज़ामिन है मेरा तू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू बस इसमें अमीरी और गरीबी का नहीं है तौहीद की मानंद मुझे इसका यकीन है मशहद वही जाता है बुलाता है जिसे तू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू वल्लाह वो एक लम्हे में यूसुफ को भुला दे अंगुष्ट के बदले में वो सर अपना कटा दे मिल जाए जुलेखा को अगर आपकी खुशबू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू मैं कब्र में गर अपना तारुफ न कराता मद्दा हूँ तेरा मैं अगर ये न बताता होती न कभी खत्म मलाए कि मनो तू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू वो सहने मसीहा के सहने शिफा का मैंने वहां खुद अपनी निगाहों से देखा जाहिर तेरा वह मौत को कर लेता है काबू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ए ज़ामिने आहू ha ha kaise milta hai khuda dekh liya hai maine kaise milta hai khuda देख लिया है मैंने जाके खुद कर वो भला देख लिया है मैंने कैसे मिलता है खुदा देख लिया है तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने कितनी बेबस हवा देख लिया है मैंने कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने हा ज़मीन फजले हुसैन इब्ने अलियो ज़मीन फजले हुसैन इब्ने अलियो ज़हरा हुर के माथे अरे हुर के माथे पे लिखा देख लिया है मैंने
कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है मैंने तेरे सदके में, ए अब्बास दिलावर के अलम, तेरे सदके में अब्बास दिलावर के अलम, कैसे चलती है हवा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, मुश्किलें जाने और रब जाने अलमदारे हुसैन, मुश्किलें जाने और रब जाने अलमदारे हुसैन, जाने बेकर वो भला देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, वहब के ताता मैं कल माना पढ़ूं क्यों मौला, वहब के ताता मैं कल माना पढ़ूं क्यों मौला, तेरी आंखों में खुदा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, तुर्बते फातिमा जहरा पे किया है मातम, तुर्बते फातिमा जरा पे किया है मातम, ख्वाब तो कद से बड़ा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, दो मिसरे सलाम के, एक नन्नी सी लहद रन में बनाते उसे, एक नन्नी सी लहद रन में बनाते उसे, खाक में दूसरे मोहसिन को, खाक में दूसरे मोहसिन को छुपाते हैं उसे, एक नन्नी सी लहद रन में, सलामत रहें मौला आपके किए ज़िक्र को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएं, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें मौला आपको, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएं, और आप मौला की बारगाह के अंदर जल्द करबला आएं, और करबला में आके ज़रिए मासूम अलैहिस्सलाम के सामने अपना नजराने अकीदत पेश करें, और आकर बताएं कि मौला दूर से रहकर भी मैं ज़िक्र करता हूँ, करीब आकर भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। वो सारे मोमिन जो मुहर्रम में आने के लिए बेताब हैं, उन सब के लिए दुआ है कि मौला आप सब की दुआएं कबूल फरमाएं, और आप हमारे पास आएं और यहीं पर बैनुल हरमैन में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हों, और साथ बैठकर हम मिलजुल कर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करें, और यह अय्याम अज़ा भी आप हस्ब साबिक जिस तरीके से सालाना आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर 10 मुहर्रम मनाते हैं, यहाँ पर आकर करबला में मनाएँ, मौला की बारगाह में पुरसा पेश करें। वो मोमिन, वो दोस्त, वो अजीज़ जो करबला में आया करते थे,
इस दुनिया में नहीं रहे। दुआ गो हों के खुदावंद मुताल उन सब को भी हमारी इन दुआओं हमारी इन ज़्यारतों में शामिल हाल रखे और हमारे इस ज़्यारत के सवाब को उनकी कब्रों तक भी ईसाल फरमाए और हमसे भी ये नेमत सलब ना हो। हम हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब में रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब हमारे दिल व दिमाग और रूह व जिस्म के साथ साथ रहे। अमल के अंदर हो, कौल के अंदर हो, फेल के अंदर हो, ये कुर्ब और ये कुर्ब ऐसा कुर्ब हो कि तकर्रुब इलल्लाह का वसीला बने और ऐसा वसीला जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वब्तगू इलैहिल वसीला करार दिया है, ये वो वसीला बन जाए जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे से तकाजा किया है। इस वसीले की तवस्सुत से, इस वसीले के वसीले से हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारफत नसीब फरमा, अहले बैत अलैहिस्सलाम का हम सब को हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, जो उन्होंने फरमाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उनके दुश्मनों से बेजारी और उनके मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने का शरफ नसीब फरमा और हमेशा हम हुज्जत खुदा के मुंतज़िर रहें, हुज्जत खुदा का जिक्र करते रहें। जिस तरीके से हुज्जत खुदा हमसे 100 माओं से ज़्यादा प्यार करती हैं, हमें भी 100 बेटों से ज़्यादा उनसे प्यार करने का शरफ़ नसीब फरमा, ताकि हम सुबह उठें तो अपने वली असर का जिक्र करें, दोपहर हो तो हम वली असर का जिक्र करें, रात का वक्त हो तो सोने से पहले मौला के दीदार की ख्वाहिश हो और दुनिया व आखरत के अंदर हम हुज्जत खुदा के हम रिकाब रहें और मौला की पुकार पर लब्बैक कहने वाले रहें और ये लब्बैक हमसे कभी भी जुदा ना हो। और एक वो वक्त आए कि आप लोग करबला में आके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी कहते हुए पुकारें और हुज्जत खुदा आपके साथ सीना जनी करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लिया जाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों में भी खुशियां देखना नसीब हो आपको। और हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए हमेशा दुआ करते रहिए, जब भी कोई मुश्किल हो अहले बैत अलैहिस्सलाम को पुकारिए, जब भी कोई तकलीफ़ हो अहले बैत अलैहिस्सलाम को पुकारिए। आइए पुकारते हैं हुज्जत खुदा को, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीय कल फरज।